बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज होने लगा है। लॉकडाउन को अनलॉक का नाम देने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनावी मोड में आने लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की आगामी रणनीति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 9 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार के सभी विधानसभा के लाखों कार्यकर्ताओं को डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। इससे पहले संजय जायसवाल ने कोरोना में केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र और राज्य ने मिलकर इस महामारी से निपटने में कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मामले को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि आपके मंत्री, केंद्र के मंत्री ये कहते हैं कि बिहार की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया उद्योग विभाग की तरफ से। देखिए, इसमें जो भी उद्योग में जिनको लगाना है उन सभी को जो भी प्रपोजल होगा वह बैंकों को करना है। और ये जो बिहार, ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, यह मूलतः जैसे हमारे रेहड़ी वालों से लेकर लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए, और उसमें जो भी ज्यादा मदद चाहेंगे केंद्र सरकार हर हालत में करेगा। आप डिजिटल चुनाव प्रचार पूछना चाह रहे हैं या डिजिटल चुनाव? डिजिटल वोटिंग की बात नहीं, नहीं वो देखिए, उसके लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करता है। आज आधार कार्ड मैंडेटरी है केवल केंद्र सरकार या बिहार सरकार, राज्य सरकारों की योजना का लाभ लेने के लिए। तो अभी इस तरह की बात करने का तो समय नहीं है, पर चुनाव प्रचार में डिजिटल चुनाव प्रचार की बहुत बड़ी भूमिका होगी, इसका मुझको पूरा विश्वास है। बाकी तो सब चीज चुनाव आयोग को तय करना है, मैं खुद चुनाव आयोग। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो केंद्र से फरियाद कर रही है कि मदद के लिए केंद्रीय योजना की सारी राशि का वहन करने का गुहार लगा रही है, तो आखिर क्या हो गया? देखिए, आज भी अगर बिहार की स्थिति देखिए तो बिहार में 24-26% राशि बिहार सरकार अपने संसाधनों से लाती है और 74% राशि बिहार को केंद्र सरकार देती है। अगर आप उल्टा इसका महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में केवल 26% राशि केंद्र सरकार लगाती है और बाकी 74% राशि महाराष्ट्र अपने संसाधनों से देती है। तो आप ये तो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कि बिहार को कितनी बड़ी मदद केंद्र सरकार कर रही है। उसके लिए मैं बिहार की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों के कारण 55% मत से 40 में 39 लोकसभा क्षेत्र पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के को दिया गया और पूरे विश्वास से दिया गया। इतिहास में 55% मत भाजपा को कभी नहीं मिला। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 5 वर्ष के काम किए उस पर जनता का विश्वास की परिणति थी 2019 का चुनाव। और उसके बाद जो पहला हमारा लोकसभा का सत्र हुआ, हमका सभी सांसदों ने 137% काम किया उसमें, और जितने भी विगत 70 साल के मुद्दे थे, खास करके धारा 370, 35J, सामान्य नागरिक कानून, 3 तलाक, और जो एक विवाद चला आ रहा था राम मंदिर का, उसका भी शांतिपूर्ण समाधान करने में हम लोग सफल हुए। इतना ही नहीं, जो हमारे असंगठित कामगार थे उन सबों के लिए भी हम लोगों ने, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या ESI में प्रोविजन में पैसे की कम करना हो, EPF में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना हो, हर तबके को हम लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अचानक कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा और सौभाग्य से इस देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में था और उसी का नतीजा था
कि जहां पूरे विश्व में 4.3 के औसत से प्रति लाख लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, हमारे यहाँ यह प्रतिशत केवल 0.3 था, 0.3, जो बताता है कि हमने किस तरह से कोरोना को मैनेज किया। वैसे ही विश्व में अगर 1 लाख में महामारी का औसत है तो 65 लोग 1 लाख की आबादी में प्रभावित हुए, हमारे यहाँ यह प्रतिशत केवल 7.9 था। और यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही समय पर फैसला लिया और आज हम 7 लाख बेड तैयार कर चुके हैं, जिसमें अगर कोई कोरोना की बीमारी बढ़ती है तो उन मरीजों को कोई कष्ट नहीं हो। हमारे पास केवल वायरोलॉजी के नाम पर केवल एक लेबोरेटरी थी पुणे की, आज हमारे पास 610 लैब्स मौजूद हैं जहां पे कोरोना का टेस्ट हो सकता है। हम पीपीई किट, N95 मास्क बनाते नहीं थे, आज हम 4 लाख मास्क प्रतिदिन बना रहे हैं। एक छोटा सा स्वैब जो होता है वह विदेश जाता था और 17 रुपये पड़ता था, आज हम 1.70 रुपये में भारत वह स्वैब टेस्टिंग के लिए बना रहा है। अकाउंट को अपने किसानों के पास जो हमारी फसल योजना हो जिससे कि उनकी सिक्योरिटी रह सके, हमारे जो आर्थिक मोर्चे पर जो हमारे कॉरपोरेट के व्यापारी थे जिनको अगर मुंबई से पटना सामान लाने की जरूरत पड़े तो 20 दिन लगता था, लेकिन वन टैक्स वन नेशन के तहत GST लागू करके हम लोगों ने पूरे के पूरे इस रेजिम को सिंप्लीफाई किया। और इतना ही नहीं किया बल्कि जो कांग्रेस के समय की जो खामियां थी, जैसे 65 साल के इतिहास में अगर आप 60 साल लें तो केवल 18 लाख करोड़ उधार बैंकों ने व्यापारियों को दिया था, पर अंतिम 5 वर्षों में 52 लाख करोड़ रुपए उधार दिया गया बिना गारंटी के। और इस तरह से बहुत सारी आप लोगों ने भी देखा कि काफ़ी व्यापारी उसमें से भाग गए, डिफॉल्टर में किसी को यह चिंता ही नहीं रहती थी, लगता था कि उधार को चुकाना है, एक और उससे बड़ा उधार लेंगे। लेकिन हम लोगों ने IBC को ला करके सभी को जिम्मेवार बनाया और हम वापस पैसे भी, बहुत सारे पैसे लाने में भी सफल हो गए जो कांग्रेस के जमाने में उधार दिए गए थे। तो उसी तरह से इतिहास में पहली बार हुआ कि हमने दूसरे की भूमि में जाकर POK में जाकर के हमला करके अपने देश के पर जो आतंकवादी हमले हुए थे उनका जवाब दिया। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। अगर जो से भी आप, एक तो मैं बता दूं कि अगर तेजस्वी जी के कहने से कोई अपराधी और नॉन अपराधी हो तो उस हिसाब से तो हमारे यहाँ तब तो सुप्रीम कोर्ट ही से फिर पूछना पड़ेगा कि शाहबुद्दीन को तो तेजस्वी जी अपराधी मानते ही नहीं है, अपने पिताजी को भी अपराधी नहीं मानते हैं जो इतने सालों से बंद है। तो कानून, इस सरकार में कानून अपना काम करता है, कानून के जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हर हालत में सजा होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी कहें कि यह दोषी है यह निर्दोष है, तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि शाहबुद्दीन जी निर्दोष है, तो इसका क्या मतलब है कि वो निर्दोष हो गया और किसी को वो अपराधी कहे तो वो अपराधी हो गया। कानून को अपना काम करने दीजिए, जो कानून में दोषी होगा हर हालत में सजा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसमें भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है। इस विपरीत परिस्थितियों में कोरोना में भी एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मंडल अध्यक्षों तक से जुड़ा था और कल मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, 38,000 तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जो बूथों पर हुई हैं। सही है कि 55,000 से 60,000 बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ हमारे सप्तऋषि बैठे हैं और जाहिर बात है जब बूथ पर 7 हमारे पदाधिकारी बैठेंगे तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो सुने ही सुनेंगे, उसके अलावा जो उस बूथ को लेकर के पार्टी की तैयारी है उसकी भी चर्चा हुई है और उस हिसाब से हम आगे बढ़े। मैं डरते थे
इसके बावजूद भी आप सब कोरोना वॉरियर्स के भूमिका में सभी हमारे जो भी खबरें थी वह जनता तक पहुंचाने में मैंने हर जगह देखा है कि आप सभी की उपस्थिति सभी घटनाओं में बराबर शरीक रही है। तो सबसे लगातार जेडीयू कोटे के मंत्री पूछ रहे हैं, उद्योग मंत्री ने कहा है कि बिहार के हिस्से क्या आएगा ये बता। जितना भी शिशु मुद्रा लोन है, लघु उद्योग के लिए दिए है, वो सब जो है बिहार के कोई भी व्यक्ति जो लाभान्वित होना चाहे वह हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार का जितना किसी का हिस्सा बनता है केंद्र सरकार का, उससे हम सबों ने ज्यादा दिया। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि हम 86,000 करोड़ रुपए बिहार को दे रहे हैं। बिहार तीसरा बड़ा राज्य है तो भी हम मध्य महाराष्ट्र के मुकाबले, हमसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है तो भी महाराष्ट्र के मुकाबले हम 30,000 करोड़ रुपए अभी इस वर्ष ज्यादा बिहार को दिए हैं। उसके अलावा 1.5 लाख करोड़ का पीएफ पैकेज अलग से बिहार को मिला है। बिहार की जो केंद्र में हिस्सेदारी बनती है उसका लगभग 1.5 से 2 गुना पैसा केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया है। शहीद की दर्जा देने की बात कही है, आरजेडी ने सवाल उठाया है। मैंने अभी देखा नहीं, मैं देखते तभी बैठी। अच्छा जी, ये जो एक साल पूरा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पी नड्डा जी क्या कोई डिजिटल रैली भी करने वाले हैं, वर्चुअल रैली? बिल्कुल, बिहार में वर्चुअल रैली होगी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार को संबोधित करेंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख लोग उनका संबोधन डिजिटल माध्यम से। कितनी रैलियां होंगी सर? बड़ी रैली 2 होगी और सभी 243 विधानसभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली होगी। 9 तारीख सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को कौन होता हूँ, क्लीन चिट देने वाला या अपराधी बताने वाला? या तो पुलिस को तय करना है, पुलिस जो तय करेगी, पुलिस के जो चार्जशीट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, गोपालगंज के बीजेपी नेता कृष्णा साई की भी हत्या हुई है, उनकी पत्नी ने भी अमरेंद्र पांडे पे ही आरोप लगाया है। उसने उनकी पत्नी ने कहा कि बीजेपी से उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएगी। देखिए, पुलिस इस सरकार में न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पूर्णतः निरपेक्ष है और जो भी व्यक्ति दोषी होगा हर हालत में उसको सजा मिलेगी। पर यह पुलिस के जांच करने का विषय है कि कौन दोषी है, कौन नहीं। जांच में तो विलंब क्यों हो रहा है? पूछताछ तक अभी तक नहीं हो पाई है, जांच तक नहीं गया है, ये क्या दर्शाता है? मैं यहाँ पे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हूँ, जो भी हो रहा है उसका उस विभाग के सरकार के मंत्री बिल्कुल, मैं पार्टी हूँ, मैं सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन इस विषय में मैंने पूछताछ नहीं की है। और इस सरकार के 15 वर्षों का इतिहास देखिए, दोषी कोई भी व्यक्ति हो आज तक उसको नहीं बख्शा गया। निलंबित किया गया, उनके ड्राइवर को निलंबित किया गया, लेकिन संजय शर्मा माफी दे अनिल शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, किसी की भी पत्नी अगर या बेटी बीमार है तो हर व्यक्ति को हक है कानून करके उसकी चिंता करने का, और एक आम नागरिक के नाते वह उसका अधिकार है। आम नागरिक से बाहर अगर वह कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहता है तो वह सरकारी तंत्र समझेगा, लेकिन एक आम नागरिक के नाते आपकी भी बेटी बीमार होगी तो आपको पूरा हक है उसको जाकर। ठीक है, यहाँ एक तरफ हम लोगों ने इन सब चीजों का ख्याल रखा और हर तरह से अपनी तैयारी को पूरा किया जिससे कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटे। बाकी आप भी जानते हैं कि कोरोना की आज तक कोई दवा भी विकसित नहीं हुई है, कोई टीका भी नहीं विकसित हुआ, पर सही समय पर मरीजों का इलाज करने से हमारे यहाँ घटनाएं तो हुई पर बहुत ही कम हुई। उसी प्रकार जब लॉकडाउन पर इस तरह समाज खतरे में था तो सबसे पहले हम लोगों ने 1,70,000 करोड़ रुपए गरीबों को दिया जिससे कि उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। सभी
हमारे 80 करोड़ नागरिकों को हमने 3 महीने के लिए 5 किलो का अनाज और 1 किलो दाल अलग से दिया। बाकी भी जो राशन मिलता है वह भी केंद्र सरकार ही देती है, पर यह अलग से दिया। उसी तरह प्रवासियों के लिए 8 करोड़ प्रवासियों के लिए 2 महीने का दाल बांटने का काम किया है। जो व्यापारी बंधु हम परेशान थे, तो आज 20 लाख करोड़ का पैकेज हम लोगों ने उसके लिए दिया, जिससे कि उद्योग धंधे फिर से उठ सके। और जो आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं हुआ है, 200 करोड़ के भीतर का कोई भी टेंडर हो तो अब उसमें केवल भारतीय कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और पीपीई किट और N95 बना कर उन्होंने दिखा दिया है कि विषम परिस्थितियों में भारत स्वयं की सारी चिंता कर सकता है। और चाहे वह सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो, MSME हो, सभी सेक्टर्स के लिए हम लोगों ने जो राशियां उपलब्ध कराई हैं, उससे भारत निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत बन के उभरेगा। उसको इतना ही कहना था। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।